धर्म नगरी वृंदावन में हरियाली तीज पर्व की धूम मची हुई है। वहीं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कुछ विशेष उत्सव भी ऐसे मनाए जाते हैं जिनका लाभ भक्तों को वर्ष भर में केवल एक बार ही होने के कारण मंदिर में अपार जनसैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक पर्व है हरियाली तीज। हिंडोला उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी महाराज स्वर्ण रजत से निर्मित हिंडोले में झूला झूलते हैं। वर्ष में केवल एक बार हरियाली तीज के दिन ही हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी के दर्शनों को स्थानीय और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों सहित देश विदेश के श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 31 जुलाई को आयोजित हिंडोला उत्सव में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ की सुविधा के लिए जहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा व यातायात आदि की व्यवस्था की गई है, वहीं मंदिर प्रबंधन द्वारा भी विशेष योजना तैयार की गई है जहां दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश व निकास और अलग अलग रखने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के अलावा निजी सुरक्षा गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। वहीं मंदिर में हिंडोला सजाए जाने की तैयारी तेज कर दी गई है। ठाकुर जी के अनन्य भक्त सेठ हरगुलाल बेरीवाला परिवार के सदस्य एवं बनारस से आए कारीगर हिंडोला को लगाने में जुट गए हैं। मंदिर के आंगन में तख्त लगाकर उस पर साइड के पिलर लगाए जा रहे हैं, साथ ही जरी वर्क एवं रत्न जड़ित कपड़ा लगाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में हिंडोला के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है जिससे 30 जुलाई की रात्रि को स्थापित किया जाएगा। 31 जुलाई को ठाकुर बांके बिहारी जी हिंडोले में विराजमान होकर प्रातः 7:45 से मध्याह्न 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर के सेवायत शुभम गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज का हरे रंग की पोशाक और स्वर्ण रजत आभूषण से भव्य श्रृंगार करने के बाद उन्हें हिंडोले में विराजमान कराया जाता है, साथ ही पर्व के अनुरूप ही उन्हें भोग प्रसादी अर्पण की जाती है। कल महाराज जी हरियाली तीज के पर्व पर क्या विशेष रहेगा? जय श्री बिहारी जी, मेरा नाम शुभम गोस्वामी है और मैं बिहारी जी महाराज का मुख्य सेवायत गोस्वामी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल हरियाली तीज का बड़ा पावन एवं पुनीत पर्व है जिसकी व्यवस्था पूर्ण तरह से प्रशासन द्वारा एवं मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। हरियाली तीज से जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाली तीज गोहर उत्सव है जिस दिन ठाकुर जी महाराज अपने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस दिन विशेष रूप से बिहारी जी महाराज को हरे रंग की पोशाक एवं स्वर्ण रजत का श्रृंगार और साथ ही साथ गेवर एवं फैनी का भोग लगाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से बिहारी जी महाराज की गुलाबी शेज सैया लगाई जाती है जिसका अर्थ ये होता है कि बिहारी जी महाराज और राधा रानी जब झूला झूलते झूलते थक जाते हैं तो वो गुलाबी से सैया पर जाके विश्राम करें और पुनः राधा रानी का श्रृंगार संवारें और पुनः वह भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर बैठ जाते हैं। ऐसी ही करके दूर दूर से जो बिहारी जी महाराज के भक्त हैं, जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज के भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और उनके स्वर्ण रजत हिंडोले में दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं और ठाकुर जी की अनंत कोटि कृपा का एहसास उनको होता है। और हमारी भी यही कामना है कि बिहारी जी महाराज आपको हरियाली तीज के पावन पर्व पर अपनी विशेष अनुकंपा प्रदान करें, ऐश्वर्य प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। जय बिहारी जी की, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त ब्रजवासियों एवं गोकुलवासियों को सभासद सुंदर पटेल की तरफ से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।